चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। प्लांट्स के बारे में बात करते हुए हम आगे चले थे तो हमने देखा था कि अलग अलग रीजन्स में अर्थ के अलग अलग रीजन्स को हम हैबिटेट्स अगर बोले तो हर हैबिटेट के अंदर एक उनके करस्पॉन्डिंग हैबिटेंट्स पाए जाते हैं जो उस हैबिटेट या फिर उस रीजन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सेट होते हैं सर्वाइवल के लिए या अपनी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमने बात की थी आप किसी भी रीजन में चले जाइए अर्थ के किसी भी रीजन में किसी भी प्लांट को आप पकड़िए तो आपको दो सिस्टम जरूर मिलेंगे। तो ये जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का वो ये जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का कि उसमें दो सिस्टम्स होते हैं, वन सिस्टम इज अबव द ग्राउंड एंड अदर वन इज बिलो द ग्राउंड। तो बिलो द ग्राउंड में रूट सिस्टम होगा, अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में एकमात्र एक ही कंपोनेंट है और वो है रूट्स। ठीक है, तो रूट्स की भी वैरायटीज हमें हमारे पास है वो हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे वैसे और अभी रिवाइज और कर लेंगे। रूट सिस्टम जो है जो सिर्फ रूट्स की बात करता है, रूट सिस्टम में एक ही कंपोनेंट है एक ही एलिमेंट है वो है रूट और वो बिलो द ग्राउंड होता है। अबव द ग्राउंड पूरा शूट सिस्टम होता है, उसमें मेन जो कंपोनेंट है वो स्टेम है और स्टेम से कुछ ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस में निकलने के बाद हर ब्रांच में आपको कुछ लीव्स मिलेगी पत्तियां या फिर हर ब्रांचेस के ऊपर किसी ब्रांच में आपको फ्रूट्स मिल सकते हैं, किसी के पास फ्लावर मिल सकते हैं, जनरली हर ब्रांच के पास लीव्स तो होते ही है लीव्स। ठीक है, तो फ्लावर फ्रूट लीव या मेंशन है, कुछ बर्ड्स होते हैं और भी ऑर्गन पार्ट ऑर्गन्स प्लांट के हम डिस्कस करते हैं लेकिन अभी हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में तो इतना डिस्क्रिप्शन बहुत है। ठीक है, आगे आप लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, हमने लाइन बाय लाइन बात कर ली है ऑलरेडी फाइन। यस सर। इसके बाद में हम आगे चले थे रूट सिस्टम, मतलब वो जो सिस्टम था रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन अब हमारे पास में है। तो रूट सिस्टम में द पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली फाउंड अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। ठीक है, द स्टेम्स एंड इन द रूट्स, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों कनेक्टेड है आपस में, शूट सिस्टम रूट सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। किस किस से? जो स्टेम होगा शूट सिस्टम का वो कनेक्टेड होगा रूट, क्योंकि उसमें एक ही कंपोनेंट है, रूट और शूट आपस रूट और स्टेम आपस में कनेक्टेड मिलेंगे आपको। तो कनेक्टिविटी दोनों सिस्टम्स की ग्राउंड लेवल पर होती है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ रूट हमने देख लिया था तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसका भी एक बार देख लेना, लास्ट वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दो तरह के रूट्स हमारे पास होती है, टैप रूट्स फाइब्रस रूट्स। इसकी एक बार इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। सॉरी, ये देखिए दो तरह के रूट्स हमें मिल सकती है अगर किसी पौधे के ऊपर क्या है, मान लीजिए कि सिर्फ रूट सिस्टम की बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक मेन रूट है, इसे मेन रूट बोलते हैं और इन मेन रूट में से कुछ ब्रांचेस निकल रही है, फर्दर सब ब्रांचेस भी निकल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन रूट का होना और मेन रूट के ऊपर इन लेटरल रूट्स का होना, इसे बोलेंगे हम टैप रूट सिस्टम या टैप रूट्स। ठीक है, और डायरेक्टली अगर कोई भी मेन रूट ना हो, सिर्फ डायरेक्टली स्टेम से क्या निकल रही हो, ब्रांचेस निकल रही हो, फर्दर और इनसे भी सब ब्रांचेस अगर निकल रही हो और ये आपस में उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, चलते आगे। एक्टिविटी वन थोड़ा डिटेल में हमने बात किया था, अगर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी भी है एक्टिविटी, ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो में जरूर से चेक कीजिएगा। लेट अस रिवाइज से शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो लेटेस्ट रिवाइज में देखिए, हाउ इज रूट सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। लिख लोगे थोड़ा बहुत कैसे लिख पाओगे? रूट सिस्टम इज बिलो द ग्राउंड, शूट सिस्टम इज अबव द ग्राउंड। रूट सिस्टम का क्या काम है? पानी का और न्यूट्रिशंस का या न्यूट्रिएंट्स का जमीन से एक्सट्रैक्ट करके, सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके कहां तक पहुंचाना? शूट सिस्टम तक पहुंचाना। शूट सिस्टम की क्या वर्किंग है? रूट सिस्टम से कलेक्ट करना जो भी खाने के लिए पीने के लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स को पहुंचा रहा है, वो उसे कलेक्ट करना और
फर्दर जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन्स हैं, वहां तक पहुंचाना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात करेंगे आगे स्टेम्स में, स्टेम कभी कभी हो सकता है कि वो भी खाना बनाए, क्योंकि अगर जो ग्रीन स्टेम्स होती है, हमें पता है कि प्लांट के पास में क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है, क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है, वो ही फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये तो पता था पहले से। सो रहे हो क्लास में? Yes, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ग्रीन स्टेम है तो वो भी खाना बना सकती है, जनरली पत्तियां बनाती है खाना पूरे पौधे के लिए, ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में, हम अगर पढ़े लाइफ प्रोसेसेस नाम का चैप्टर आएगा आपके लिए 10th क्लास में, तो वहां आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो कि किस तरीके से कौन सा पार्ट बॉडी का, कौन सा सेट ऑफ ऑर्गन्स किस तरीके से वर्किंग करते हैं खाना बनाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, जो वेस्ट मटेरियल है खाना खाने के बाद और खाना डाइजेस्ट करने के बाद उसे कैसे इजेक्ट आउट करते हैं, तो वो सब हम पढ़ते हैं 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ बेसिक बेसिक सा है, रूट सिस्टम खाना लेगा बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और उसे ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, शूट सिस्टम खाना बनाएगा और फिर पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये आपको मिल जाएगा ऊपर की लाइंस में, तो एक बार आप लिखिए और इसे स्टैंडर्ड आंसर फिर आपको शेयर कर दिया जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड इन द सेंस की मतलब किस तरीके से जो एक्यूरेट आंसर है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। व्हाट आर द लेटरल रूट्स, फिर से बताना बनता है, लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स, टैप रूट, दो तरह के रूट्स होती है उसमें। टैप रूट्स के अंदर जो मेन ब्रांच, मेन रूट्स है, मेन रूट के ऊपर जो ब्रांचेस निकलती है उन्हें बोलते हैं लेटरल रूट्स, सही है। इफ द रूट्स ऑफ अ प्लांट आर कट ऑफ विल इट सर्वाइव, आंसर बताइए, क्या अगर किसी प्लांट की रूट्स काट दी जाए तो क्या वो सर्वाइव करेगा, क्या वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? नो सर। नो सर क्या? जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि खाना ही नहीं पहुंचेगा उस तक। प्लांट्स को जिंदा सा, प्लांट्स को या हर किसी, प्लांट्स को, बीस्ट को, एनिमल्स को, एक्वाटिक्स को, एम्फीबियंस को, सबको, हर तरह की लिविंग एंटिटी जो भी अर्थ के ऊपर हमें मिलती है, सबको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। जो रूट से काम होता है प्लांट तक पहुंचाना, ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचाना, नहीं पहुंचेगा तो वो स्वाभाविक सी बात है जिंदा कैसे रह पाएगा बेचारा। कैन द रूट्स स्टोर फूड, गिव एग्जांपल्स। एग्जैक्टली, इन जनरल नहीं, इन जनरल रूट्स सिर्फ पहुंचाने का काम करता है, लेकिन कभी कभी वो स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करता है, मतलब कि जो खाना बन चुका है प्लांट के अंदर अब वो रूट्स में भी स्टोर हो सकता है, लेकिन कभी कभी, और एग्जांपल मिल जाएगा आपको ये रहा। इन सम प्लांट्स लाइक टर्निप एंड बीटरूट, क्या मिल गया आपको? टर्निप, शलजम एंड बीटरूट। बीटरूट एक तरह की सब्जी होती है जो जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो वो जनरली डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। चुकंदर, चुकंदर, एग्जैक्टली, टर्निप, शलजम और बीटरूट, चुकंदर, दे स्टोर द फूड इन सम प्लांट्स, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। कैन द रूट्स स्टोर फूड, हो चुका। शूट सिस्टम की बात करेंगे आज से। शूट सिस्टम में पहला सबसे जो सेंट्रल जो पार्ट है शूट सिस्टम का वो है स्टेम, तना। स्टेम इज द मेन शूट ऑफ द प्लांट, बैंक कर लो। इट कीप्स द प्लांट अपराइट एंड बियर्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स। तो ये सारे स्टेम के बाद में स्टेम पे जो ब्रांचेस निकलती है वहां फ्लावर्स फ्रूट्स लीव्स मिलेंगे। तो बहुत से आपने देखा होगा कि ये प्लांट को सीधा रखने में काम आता है स्टेम। तो स्टेम जितना हार्ड और थिक उतना ही प्लांट सीधा और उतना ही वो एनवायरमेंट के कैलेमिटी से डिस्टर्ब नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड हम हर्ब्स में पढ़ेंगे अभी, इनके पास क्या होता है? टेंडर स्टेम। टेंडर स्टेम मतलब फ्लेक्सिबल तना, कोई हार्डनेस नहीं होगी उस तने के पास, तो वो हवा के साथ में हिलता डुलता रहेगा, तो चांसेस रहते हैं कि वो डैमेज हो जाए। अगर एक बार जमीन से उखड़ जाएगा प्लांट तो फिर न्यूट्रिशन का इनटेक हो नहीं पाएगा प्रॉपरली और फिर वहां पे डेथ हो जाएगी प्लांट की। तो टेंडर स्टेम वाले हर्ब्स, लेकिन मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बिल्कुल वीक होते हैं, क्योंकि
हमें पता है इतना, हमें एक्टिविटी वन में देखा था कि ग्राउंड लेवल पे जब भी कोई प्लांट आता है तो यहाँ पर जो उसकी एंकरिंग होती है फॉर्मली फिक्स्ड अप होते हैं ये लोग, तो हो सकता है यहाँ पे तो फॉर्मली फिक्स्ड अप हो, बस अगर ये टेंडर स्टेम है तो ये इधर उधर हिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंकर है वो एंकर्ड है पूरी तरीके से तो सपोर्ट उसको नीचे से भी मिलता है एक्चुअली, स्टेम के साथ साथ रूट सिस्टम भी उसको सपोर्ट देता है प्लांट को टिके रहने में अपनी जगह पर और अपनी लाइफ को मेंटेन करने में। ठीक है, इसे तो आपने अंडरलाइन कर ही लिया ऑलरेडी, इट कीप्स अप इसे कर लेना एक तो। और वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द शूट एज, हाइट ऑफ द शूट स्टेम नहीं पूरे शूट सिस्टम की बात कर रहा है वो, लेकिन ऑब्वियसली इसने यहां पे हाइट ऑफ द शूट लिखा है, लेकिन ये मेन यहां पे जो बेसिस रहने वाला है वो रहने वाला है, ये गलत फोटोज क्लिक किए शायद, पीडीएफ का कुछ प्रॉब्लम है, राइट चलो यहां से शुरू करते हैं, दो फोटोज जिससे भी पीडीएफ बनाई थी उन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, कोई इशू नहीं है यहां से कंटिन्यू कर लेंगे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ठीक है, ये तो अंडरलाइन कर चुके। वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द शूट एज हर्ब्स इफ द प्लांट हैज अ ग्रीन टेंडर स्टेम एंड इफ इट इज शॉर्ट ऑलमोस्ट ऑफ योर हाइट वी कॉल इट अ हर्ब। तो ह्यूमन बींग्स की हाइट जो होती है वो हम मान सकते हैं कि 4.5 फीट, 4 फीट मान लो, 4 फीट टू 6 फीट ये रेंज मान सकते हैं हम हर्ब की, प्लांट ये थोड़ी ज्यादा 7 फीट भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन चल रहा है यहाँ पे। तो इफ द प्लांट्स हर्ब्स में देखो, इफ द प्लांट हैज अ ग्रीन टेंडर स्टेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन टेंडर स्टेम, टेंडर फ्लेक्सिबल एंड इफ इट इज शॉर्ट ऑलमोस्ट ऑफ योर हाइट वी कॉल इट अ हर्ब। हर्ब जनरली हैव देयर ओन फ्लेवर एंड सेंट, फ्लेवर टेस्ट की बात कर रहा है, सेंट ऑर्डर स्मेल फ्रेग्रेंस की बात कर रहा है, एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिंस एंड और एज स्पाइसेस, यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिंस और स्पाइसेस। ठीक है, तो किचन तक पहुंचता है हर्ब्स, हर्ब्स की जो भी कैटेगरीज है प्लांट्स की वो हमारे किचन तक मेडिसिंस और स्पाइसेस के फॉर्म में पहुंचता है। कैन यू नेम अ फ्यू स्पाइसेस यूज्ड इन योर किचन, आस्क योर मदर फॉर हेल्प। प्लांट्स बेयरिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स आर आल्सो हर्ब्स, तो देख लो ध्यान से यहाँ पे, जिंजर अदरक गार्लिक, जिंजर अदरक गार्लिक लहसुन फिनल सौंफ वीट राइस आर कॉल्ड, ये जौ बाजरा जो जो भी है सब कुछ हर्ब्स होता है, डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। तो ये देखा है क्लियर नहीं शायद पिक्चर, आपके बुक्स में मिल जाएगी आपको क्लियर फोटो, अदरवाइज आप लोग गूगल कर सकते हैं वीट प्लांट्स को, वीट और राइस राइट, तो ये सब हर्ब्स होते हैं, फ्लेक्सिबल इनका तना रहता है, स्टेम रहता है। तो इसमें इन चैप्टर्स में कुछ भी मतलब लॉजिकल चीजें समझने वाली नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, तो बस आपको मल्टीपल बार रीडिंग करनी है इनकी, समझना है कि नेचर में किस तरह से चीजें काम कर रही है, किस तरह से चीजें हैं ऑलरेडी उन्हें हम स्टडी कर रहे हैं, तो रिविजन करते जाओगे बार बार पढ़ते जाओगे मल्टीपल रीडिंग के साथ में, चीजें यहाँ पे आपको याद रहने लगेगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शब्द की बात कर लेते हैं एक बार, प्लांट्स Having a hard but thin, तो इसे ध्यान रखना क्योंकि आगे questions आएंगे तो वहाँ पे categorize जब कर रहे होंगे आप लोग, तो ये यही basis रहने वाले categorization के लिए। तो hard इस बार वहाँ पे tender था, flexible और थोड़ा बहुत softness भी होती है, hard straight मतलब hard रहने वाली चीज़ें लेकिन thin पतली। Stem are called shrubs, they are taller than herbs but smaller than trees. अगली category trees है, herbs, shrubs और trees, तो उसमें जो बीज की साइज होती है वो नहीं, सबसे ज्यादा साइज होती है ट्री की होती है, फिर हर्ब की होती है, दे आर टॉलर देन हर्ब्स, टॉलर एक्चुअली। ठीक है, शब्द बड़े होते हैं हर्ब से, ठीक है, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है हर्ब्स की साइज बड़ी होनी चाहिए, चलिए लेकिन यहाँ पे स्टेम की बात कर रहा है वो, तो ठीक है, दे आर टॉलर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्रीज, दे जनरली ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस, लेमन हिबिस्कस, हिबिस्कस एक तरह का वो फ्लावर होता है, जो फ्लावर अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो ऐसा होता है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा है ये, इसमें से ये इस तरह का कुछ निकलता है ना, बीच में से कुछ सुंदर सी उसकी कोई कली निकलती है, तो इस तरह का आप लोग इसको जरूर करना गूगल हिबिस्कस को, और कॉटन रोई लेमन ये जो है श्रब्स के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं,
लेमन प्लांट का एग्जांपल दे रखा है, ट्रीज प्लांट्स विच और क्या हो गया, प्लांट्स विच आर टॉल एंड हैव अ थिक वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड आया वो ट्रंक, ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है, मुझे लगा ही था कि ट्रीज का ट्रंक तो आता ही आता है। द मेन स्टेम इज वेरी थिक, द मेन स्टेम इज वेरी थिक एंड कंटेन्स ब्रांचेस, इट इज कॉल्ड द ट्रंक ऑफ द ट्री। मेन स्टेम इज वेरी थिक एंड कंटेन्स ब्रांचेस, तो पेड़ का डिस्क्रिप्शन हमें ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, पेड़ के बारे में हमें बहुत कुछ पता रहता है, हर्ब्स और श्रब्स के बारे में हमें थोड़ा कम कम पता रहता है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंगो बनियन, ध्यान रखना है बनाना नहीं बनियन है। टीक आर कॉल्ड ट्रीज, तो टीक वो पेड़ जिससे हम फर्नीचर बनाने में काम लेते हैं, है ना, तो टीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड होता है, तो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, तो वहाँ पे हमें फर्नीचर बनाने में हेल्प करता है मैंगो बनियन। सम ट्रीज लाइक कोकोनट एंड पाम डू नॉट हैव ब्रांचेस, ये एक्सेप्शंस हो गए, इन जनरल ज्यादातर पेड़ों के पास में होती है ब्रांचेस। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन देखिए, दो द बनाना प्लांट इज वेरी टॉल इट इज नॉट अ ट्री, होना तो इसे ट्री के कैटेगरी में चाहिए था, लेकिन क्यों, क्योंकि इट इज अ हर्ब, बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्ब ऑन द प्लांट, तो यहाँ पे ये इसे हर्ब की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इसके पास में बोल सकते हैं कि नॉट एज यूजुअल एज जनरली हर्ब्स हैव द टेंडर स्टेम, लेकिन उसके पास में हार्ड, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है हार्ड और थिक स्टेम नहीं होता है, ट्रंक नहीं होता है, तो बनाना इसीलिए हमने उसको हर्ब की कैटेगरी में रखा है एक्चुअली, ठीक है ना। एक्टिविटी टू में आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना है, आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, आप लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे अपने आसपास के एरिया में, आपको कोई गार्डन हो तो वहीं काम हो जाएगा, अदरवाइज आप ऑन द रोड साइड आप लोग देख सकते हैं, या फिर पेमेंट्स पे या फिर डिवाइडर्स का कुछ पेड़ दिखेंगे, तो क्या करना है, आपको कुछ नंबर ऑफ पेड़ लेने हैं, बहुत सारे अपने घरों में भी हो सकता है, हर्ब श्रब और जो वैरायटी ऑफ ट्रीज है अलग अलग तरह के पेड़ लीजिएगा, कोई नीम ट्री ले सकता है, नीम जनरली अवेलेबल होता है, और किसी घर पर अगर टोमेटो का पौधा हो, किसी के पास बेसिल हो, और कोई लेमन रखता है घर में, और आपको पीपल का पेड़ मिल सकता है आसानी से, आसानी से तो नहीं लेकिन जहाँ पे होगा वहाँ पे अच्छे से। लिखना है क्या? नहीं इसे मत लिखो, तुम लोग ऑब्जर्व करना, सभी के लिए होमवर्क है आज का, कि ये बार अपने घर के आसपास ही दिख जाएंगे बहुत सारे, चिंता मत करो, तो ये सारे जनरली अवेलेबल चीजें रहती है, ये दोनों तो जिनके पास घर में होगा वो ही वहीं मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज बेसिल ये घर में रखते हैं जनरली लोग, इनफैक्ट ट्रेडिशनल लोग, पीपल और पीपल आपको किसी मंदिर के आसपास या नीम तो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, एक बार ये वाला करना, आप डिस्क्रिप्शन में लिखना आपके नेम, उसकी हाइट अप्रोक्सीमेट लिखना, तो मैं ऐसे तो कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं, टाइप ऑफ स्टेम ऊपर से देख लेना, अच्छा रुको रुको यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है आप लोगों को, या तो टेंडर, या तो टेंडर मीन्स हर्ब वाली कैटेगरी, हार्ड बट थिन ये हो गई श्रब वाली कैटेगरी, थिक एंड वुडी, अटैचमेंट ऑफ ब्रांचेस बता देना कितनी एट द बेस और हाई अप, अच्छा ये दे रखा है, या तो बेस से निकलना जनरेट होना शुरू अगर हो रही होगी तो वो श्रब हो जाएगा, और हाई अप मतलब पेड़ की बात कर रहा है वो। कलर ऑफ स्टेम देख लेना, ग्रीन है या फिर ब्राउन है, टाइप ऑफ स्टेम सॉरी हाँ टाइप ऑफ प्लांट हर्ब श्रब और ये आपको लिखना है इस तरीके से, एक्टिविटी इजी है पर इंटरेस्टिंग है, करना बनता है वैसे ही वाला। You might have found that there are some plants which do not fall under any of the above categories. अच्छा, मतलब सारे प्लांट्स दुनिया में जितने पाए जाते हैं उसे हम क्या इन तीनों कैटेगरी में नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम, they are not upright but spread on the ground, they have thin weak stems but such plants are called creepers, ये examples दे रखे हैं creepers के, फिर आगे climbers की बात कर रहा है, तो आप लोगों ने कभी ही देखा होगा नीम गिलोय, हाँ नाम याद आ गया, नीम गिलोय, सर्च करना या फिर आपको मिल सकता है किसी नर्सरी में, है ना, किसी नर्सरी में अगर आप लोग जाओगे तो नीम गिलोय मिलता है वैसे, या अदर
आपको अदर इनफैक्ट क्रीपर्स तो मिल ही जाएंगे, क्लाइंबर्स में आपको मनी प्लांट आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, क्लाइंबर्स में आपके लिए मनी प्लांट आ जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन इनका क्या रहता है, मतलब इनका जो स्टेम होता है पूरा वीक होता है, दोनों का वीक स्टेम रहता है, दोनों के वीक स्टेम रहता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है क्रीपर्स, क्या करता है जनरली वो हॉरिजॉन्टली फैलता है, क्रीपर्स जनरली हॉरिजॉन्टल फैलता है, इनके पास में जनरली फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स, और ये एग्जांपल दे रखे गॉर्ड, लौकी, बिटर गॉर्ड, करेला, मिंट, पुदीना, ये एग्जांपल्स दे रखे क्रीपर्स के, ये हॉरिजॉन्टली फैलते जमीन पर, ठीक है। लेकिन ये क्लाइंबर्स क्या करते हैं, ये अगर आप इन्हें कोई वर्टिकल सपोर्ट दोगे तो वर्टिकल वर्टिकली राउंडेड फॉर्म में, मतलब चारों ओर घेर लेंगे सपोर्ट को और उसके ऊपर ग्रो होने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में, ठीक है। क्रीपर्स डेवलप स्पेशल ऑर्गन्स बाय विच दे क्लिंग टू नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर सपोर्ट। तो ये भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें, वो जो आप एक्टिविटी टू कर रहे हो ना उसमें क्रीपर्स और क्लाइंबर की भी आप चाहो तो वहां पे रख सकते हो ऑप्शंस, और वहां पे भी कुछ कुछ आप लोग, ये वाला तो आपको नर्सरी में मिल सकता है, राइट। जयपुर में काफी सारी नर्सरी है, हर एरिया में आपको नर्सरीज मिली जाएगी जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और ग्रेप्स एक एग्जांपल है, वो भी किसका एग्जांपल है, लता बोलते हैं ऐसे क्रीपर्स इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, हिंदी में ना ग्रेप्स। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, सब कुछ थियोरेटिकल इस चैप्टर में, कुछ भी एनालिटिकल न्यूमेरिकल या लॉजिकल नहीं है। फंक्शंस ऑफ स्टेम देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। Stems keeps the plant erect. Erect मतलब ऊपर की तरफ straight and bears the leaves, flowers and fruits. It is the main organ of the support. तो supporting organ है ये पूरे plant का. Stem conducts water and minerals from the root to its leaves. पता ही है, यही तो बात की थी हमने शूट सिस्टम के लिए कि वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ भेजता है। स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो एक बार तो रॉ फूड ऊपर की तरफ भेजेगा खाना किसी फूड प्रिपरेशन के लिए, और फिर वापस जो भी फूड मेकर ऑर्गन से वो बना देंगे खाने को, और फिर स्टेम से होते हुए अगर कोई रूट अगर स्टोर करता है किसी, जो हमने देखे थे एक्सेप्शंस वो टर्निप और बीटरूट वाला, तो वहां तक पहुंचाएगा, अदरवाइज दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी स्टेम करता है। स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन स्टेम्स कैन आल्सो मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट्स। क्यों? ग्रीन स्टेम है मतलब क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट उसके पास में है, और क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट के खाने का एकमात्र प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन सम प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड to perform special functions like storage of food, photosynthesis, etc. तो कहने का मतलब ये है कि photosynthesis ऐसा नहीं है कि कभी पौधे का मन किया तो उसने इडली सांभर चाउमीन ये सब बनाया, ऐसे नहीं होता है। प्लांट का सिंपली क्या है वो photosynthesis पे डिपेंडेंट है। फोटो उसको पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में भी उसे मिनरल्स ही होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स ही होते हैं, तो वो खींच लेता है जमीन से, सॉइल से, ठीक है। तो मेरे को सिंपल लाइफ है प्लांट की, ज्यादा खाने के लिए, ज्यादा पीने के लिए पानी, खाने के लिए सिंपली उसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी चाहिए था ग्लूकोज खुद मैन्युफैक्चर कर लेता है उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, सिंपल। एक्टिविटी 3 देखेंगे। एक्टिविटी 3 टू शो दैट स्टेम कंडक्ट्स वाटर, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसे करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बालसम दे रखा होगा, बालसम नाम का, आप क्या करेंगे, एक फूलों का पौधा होता है वो, उसमें फ्रूट्स नहीं आते हैं, सिर्फ फूल आते हैं। आप क्या, व्हाइट कलर के होते हैं एक्चुअली वो फ्लावर। आप क्या करेंगे, दो फ्लावर आपने ले लिए विथ देयर स्टेम, फिर आपने क्या किया, दो वैस होता है जिसके अंदर हम जनरली वो पौधे रखते हैं घर में सजाने के लिए, तो दो वैस ले लीजिए या फिर दो वैसल ले लीजिए, उसमें आपने रखे पौधों को और क्या क्या पानी डाल दिया, उनमें पानी आपने डाल दिया, उसके बाद में क्या किया आपने, एक में पहले वैसल में आपने रेड इंक डाली, दूसरे वैसल में आपने ब्लू इंक डाली,
थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, वो जो फूलों का कलर है, जो व्हाइट फ्लावर थे जिसमें आपने रेड इंक डाली वो होने वाले हैं रेड, और जिसमें आपने ब्लू इंक डाली है वो होने वाले हैं ब्लू। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि स्टेम कॉन्टेक्ट में है, पानी के कॉन्टेक्ट में स्टेम है, फ्लावर नहीं है। तो स्टेम ने जब रेड इंक को खींचा हुआ तभी तो वो फ्लावर तक पहुंचा होगा, और स्टेम ने जब ब्लू इंक को खींचा हुआ तभी तो वो फ्लावर तक पहुंचा होगा। सिंपल। तो दैट मींस स्टेम कंडक्ट्स वाटर, इसका मतलब क्या है, वो पानी को अपने अंदर से बहाता है। सिंपल, ये हमें ऑब्जर्व करना था, वो हमने कर लिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व द एंड्स ऑफ द स्टेम इन द अबव एक्टिविटी यू विल सी दैट द एंड्स लुक एज शोन इन फिगर। तो हम कल लीव से बात करेंगे, आज के लिए देखो ये जो है, ये जो आपको स्टेम है, अगर आपको इसे अपनी तरफ, इसका एंड पोर्शन अपनी आंखों की तरफ करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि उसके अंदर जो वेसल्स हैं या जो भी हम बोलेंगे इन वेन्स को, वो क्या है, वो रेड हो जाएगी और यहाँ ब्लू हो जाएगी। सिंपल, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब उसने करस्पॉन्डिंग इंक को एब्जॉर्ब किया है, ऊपर तक पहुंचाया है। There are tissues inside the stem which act as pipes and conduct water to the leaves. ठीक है, इस अंडरलाइन कर लेना। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, कल हम बात करेंगे लीफ की बात करेंगे कल से means I mean Monday या next class जब भी होगी। ठीक है, चलिए, thank you so much for joining today's meeting. Have a revision of all this. Okay, sir.